नमस्ते स्टूडेंट्स, दिस इज भावना वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जेएनके विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी। सो आवर टुडेज टॉपिक इज रिस्क मिटिगेशन, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट। सो दिस टॉपिक कम्स अंडर द कोर्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड दैट देयर आर रिस्क मैनेजमेंट प्लान। टू डील विद अ रिस्क वी हैव टू मैनेज दैट। So coming next in this series, we just discussed the three steps, or that is risk avoidance, risk monitoring, and risk management. And we follow these steps to analyze the risk activities and to manage them. So all the risk analysis activities presented at this point have a single goal. So all these activities are done because we have to assess the project team in developing the strategy for dealing the risk. So we follow this these three strategies to deal with the risk. So basically there are three risk activities, that is risk avoidance, risk monitoring, and risk management and contingency plan. So if a software team, so what do you mean by risk avoidance or risk mitigation? So risk mitigation tells us that if a software team adopts a proactive approach of risk avoidance, is always the best strategy, and this is achieved by developing a plan for risk mitigation. So यहाँ पे क्या होता है, risk mitigation का plan है, मतलब एक तो जब भी software development team proactive risk strategy use करती है तो उसका मतलब रिस्क अवॉइडेंस स्ट्रेटेजी को यूज कर रही है, ठीक है। और उस रिस्क को अवॉइड करना मतलब वो रिस्क अवॉइडेंस कैसे अचीव किया जा सकता है, बाय यूजिंग रिस्क मिटिगेशन प्लान। तो रिस्क अवॉइड इसका मतलब रिस्क को किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है। दैट डजंट मीन कि रिस्क अवॉइड लाइक कि आ गया तो जस्ट अवॉइड। इसके लिए हम लोग क्या है, कुछ प्लान बनाते हैं, कुछ स्ट्रेटेजीज बनाते हैं कि इस चीजों को अगर हम फॉलो करते हैं तो रिस्क को अवॉइड किया जा सकता है। जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल लेते हैं कि एक जगह है आपके पास जहाँ पे अज्यूम करते हैं कि आपके पास बहुत ज्यादा हाई स्टाफ टर्नओवर है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, हाई स्टाफ टर्नओवर भी एक तरह का रिस्क है जिसको आप लोगों ने आर एम आर नाम दिया, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द पास्ट हिस्ट्री एंड द मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन द लाइकलीहुड L1 और जो उसको अकर होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो L1 है ऑफ high turnover is estimated to be 0.7 or 70% rather high and impact is xi and project level is 2. तो मतलब ये जो रिस्क हो रहा है तो इसका मतलब एस्टिमेशन क्या है, मतलब जो टर्नओवर जो आप लोगों के पास हो रहा है वो टर्नओवर क्या है 70% है और उसका इम्पैक्ट क्या है xi है और इस x1 है और ये प्रोजेक्ट लेवल 2 के अंदर आता है। तो यहाँ पे हाई टर्नओवर जो हो रहा है उसके क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो हाई टर्नओवर हैव अ क्रिटिकल इम्पैक्ट ऑन आवर प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड स्केड्यूल। तो ये हाई टर्नओवर की वजह से क्या हो सकता है, हमारे प्रोजेक्ट की स्केड्यूलिंग और उसकी कॉस्ट पे डिपेंड इफेक्ट पड़ सकता है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए, टू मिटिगेट द रिस्क और टू अवॉइड द रिस्क, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मस्ट डेवलप स्ट्रेटेजीज फॉर रिड्यूसिंग हाई टर्नओवर। तो हम लोग स्ट्रेटेजीज बनाएंगे कि उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग उसका टर्नओवर को हम क्या कर सके, रिड्यूस कर सके, और उसके लिए हम पॉसिबल स्टेप्स को डिफाइन करेंगे और पॉसिबल स्टेप्स हैं जो हम लेंगे। पहला उनमें से मीट द करंट स्टाफ टू डिटरमाइन द कॉजेस फॉर टर्नओवर। आप स्टाफ से मिलोगे और उनसे पूछोगे कि टर्नओवर के क्या कॉजेज हैं, एग्जाम्पल जैसे पुअर वर्किंग कंडीशन है या हम आपको लो पे दे रहे हैं या जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव है, तो उसका टर्न ओवर ज्यादा कौन से रिगार्डिंग कॉस्ट है, ज्यादा क्यों है, पैसा हम ज्यादा क्यों दें। नेक्स्ट हम लोगों के पास मिटिगेट दोस कॉजेस दैट आर अंडर कंट्रोल बिफोर द प्रोजेक्ट स्टार्ट। अब आपको पता है ये कॉजेज है, ये चीज आ रही है, तो उनको अवॉइड करना, उन चीजों को मिटिगेट करना, ठीक है ना, बिफोर प्रोजेक्ट स्टार्ट। तो वंस द प्रोजेक्ट कमेंसेस अज्यूम हाई टर्न ओवर विल अकर एंड डेवलपिंग टेक्निक्स इंश्योर द कंटिन्यूटी व्हेन प्रोजेक्ट लीड। सेकेंड है ऑर्गेनाइज प्रोजेक्ट टीम सो दैट इंफॉर्मेशन अबाउट ईच डेवलपमेंट एक्टिविटी इज वाइडली स्प्रेड, ठीक है। और फिर उसके अकॉर्डिंग टीम को आपको ऑर्गेनाइज करना ताकि वो जो इंफॉर्मेशन है उस डेवलपमेंट एक्टिविटी के रिगार्डिंग वो ढंग से स्प्रेड हो सके और लोगों में स्प्रेड हो सके।
Defined documentation is standard and established mechanism to be sure that documents are developed under a timely manner. उसके बाद पूरे का पूरा उसको documentation maintain करके चलना और एक mechanism बनाना ताकि वो जो document है timely manner के अंदर develop हो पाए. Conduct peer reviews for all works, मतलब so that more than one person is speed is up to speed. फिर पीर रिव्यूज कंडक्ट करना अपने वर्क के अकॉर्डिंग ताकि एक से ज्यादा पर्सन क्या है उसको स्पीड अप कर सके. फिर असाइन बैकअप टू स्टाफ मेंबर्स फॉर एवरी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी. फिर अपने यहाँ पे एक बैकअप की व्यवस्था लेके चलना हर स्टाफ मेंबर से रिलेटेड ताकि एक हम लोगों के पास बैकअप हमेशा मेंटेन रहे. नेक्स्ट हम लोगों के पास तो ये था आपके रिस्क अवॉइडेंस करने के लिए आप क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करोगे. फिर जैसे प्रोजेक्ट प्रोसीड होता है तो हम लोग क्या करते हैं रिस्क मॉनिटरिंग एक्टिविटी करते हैं है ना. तो उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजर मॉनिटर्स द फैक्टर्स दैट मे प्रोवाइड एन इंडिकेटर ऑफ वेदर द रिस्क इज बिकमिंग मोर और लेस लाइकली. तो हम यहाँ मॉनिटर करते हैं उन फैक्टर्स को है ना जो आपको ये बताते हैं कि रिस्क वास्तव में आ सकता है या नहीं आ सकता. ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या करते हैं मॉनिटरिंग करते हैं उन फैक्टर्स की मॉनिटरिंग करेंगे कि जिसकी वजह से रिस्क आपके पास आ भी सकता है ना या नहीं भी आ सकता. तो जैसे हम लोगों ने पहला एग्जांपल लिया अगर आपके पास टर्नओवर हाई है तो ये उस तो टर्नओवर हाई है इसका मतलब हम इन फॉलोइंग फैक्टर्स को मॉनिटर करेंगे. मॉनिटर कौन से फैक्टर्स जैसे जनरल एटीट्यूड ऑफ टीम मेंबर्स बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट प्रेशर्स. प्रोजेक्ट का प्रेशर आता है कैसे मॉनिटर करोगे अगर प्रोजेक्ट में प्रेशर आता है तो टीम का एटीट्यूड क्या है. The degree to which team has yielded. तो इस वर्ड का मतलब क्या है इस वर्ड का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए तो है कि आप कोई डेफिनेट फॉर्म उसमें ले रहे हैं या प्रोजेक्ट के आइडिया के लिए इस वर्ड का मतलब है कि बींग टू वर्क वेल मतलब वापस उस चीज पे आना और ढंग से काम करना. ठीक है ना. तो मतलब इन चीजों का होल सोल मतलब है कि आप कोई पर्टिकुलर डेफिनेट फॉर्म ले रहे हो या फिर आप वापस उसमें अच्छे से काम कितना कर पा रहे हो. तो ये है हम लोगों का. तो कौन से डिग्री तक वो प्रोजेक्ट पे हम लोग अच्छे से काम कर पा रहे हैं. इंटरपर्सनल रिलेशन अमंग द टीम मेंबर्स पोटेंशियल प्रॉब्लम्स एंड कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ द जॉब्स विद इन द कंपनी और आउटसाइड इट. ठीक है. तो ये था आप लोगों के वो कुछ स्टेप्स जो रिस्क की मॉनिटरिंग करने के लिए आप करते हो कि वो रिस्क जो है उस इन फैक्टर्स की बेसिस पे आप पता लगाना चाहते हो कि रिस्क इज बिकमिंग मोर और लेस लाइकली मतलब रिस्क आ सकता है या नहीं आ सकता. ठीक है. फिर नेक्स्ट है आपके पास ये इन मॉनिटरिंग फैक्टर्स के अलावा एक आपके पास एक और चीज है. The project manager should monitor the effectiveness of the risk mitigation step. उसके सिवा जो project manager का क्या task होता है कि जो risk mitigation steps हैं उनकी effectiveness को monitor करना. ठीक है ना. तो इसके लिए हम क्या करते हैं जैसे मैंने example लिया risk mitigation steps are noted called the definition of documentation standard. तो risk mitigation steps आपने जो लिए हैं वहाँ पे ठीक है ना तो उनको हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला है कि डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड. ठीक है. और नेक्स्ट हम लोगों ने उसको बोला है मैकेनिज्म टू बी श्योर दैट डॉक्यूमेंट्स आर डेवलप्ड इन अ टाइमली मैनर. ठीक है. या फिर एक मैकेनिज्म श्योर करना कि वो डॉक्यूमेंट्स एक टाइमली मैनर के अंदर डेवलप हो पाए या नहीं हो पाए. ये हम लोगों का रिस्क मैनेजमेंट मॉनिटरिंग के अंदर. नेक्स्ट हम लोगों के पास रिस्क मैनेजमेंट एंड कंटीजेंसी प्लान्स. ठीक है. तो रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली तो रिस्क मैनेजमेंट एंड कंटीजेंसी प्लान्स अज्यूम दैट मिटिगेशन एफर्ट्स हैव फेल्ड एंड ऑल द रिस्क बिकम रियलिटी. मतलब ये मैनेजमेंट ये जो बताता है हम लोगों की ये जो आपने मिटिगेशन के लिए स्टेप लिए कि है ना उसका कॉस्ट डिटरमाइन करना कि टर्नओवर हाई क्यों है उसके सिवा बैकअप बस आप लेके चल रहे हो लेकिन अभी तक आपने उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया क्योंकि रिस्क आए नहीं है. लेकिन अब ये बताता है कि रिस्क के जो मिटिगेशन के स्टेप लिए थे कि हमने उस चीज़ों को कंट्रोल रखा उनसे पूछा कि क्या इसके प्रॉब्लम्स हैं क्यों टर्नओवर हाई है एक्सेट्रा. तो ये जो मिटिगेशन के स्टेप्स हैं इनको ये फेल हो चुके हैं और रिस्क वास्तव में अब आ चुका है और अब हम लोगों को उस रिस्क को मैनेज करना है. तो इसके लिए आप क्या करोगे रिस्क वास्तव में रियलिटी में आ चुका है. तो इसके लिए हम उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं. तो इसके लिए हमने देखा इफ मिटिगेशन स्ट्रेटजीज हैज बीन फॉलोड backup is available and information is documented and knowledge has been dispersed across the team.
अंडरवे अ नंबर ऑफ पीपल अनाउंस दैट दे विल बी लीविंग, मतलब उस प्रोजेक्ट में आप लोगों ने जो पहले प्रोजेक्ट लिया था हाई टर्नओवर का, उसमें भाई आपके स्टाफ मेंबर्स ने आपको बोल दिया कि हम प्रोजेक्ट को क्या कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं, हम तो उस पर काम नहीं कर रहे, हम तो छोड़ के जा रहे हैं, तो इसमें क्या करोगे? तो अब क्या करोगे आप उसको मैनेज करने के लिए, कि मिटिगेशन स्ट्रेटेजी जो आप लोगों ने बनाई है उसको अवॉइड करने के लिए, अवॉइड तो ठीक है लेकिन आपने जो बैकअप रहा मिटिगेशन स्टेप में, तो उस मिटिगेशन स्टेप को आप फॉलो करोगे, ठीक है ना, और देखोगे कि आपके और आपके पास बैकअप भी अवेलेबल है, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेड है और नॉलेज है, और आपकी जो जो नॉलेज थी उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के रिगार्डिंग, उसको भी आपने अपने टीम मेंबर्स के अलग डिस्पर्स कर दिया है, ठीक है, तो आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल है, तो आप उस रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे आपके पास बैकअप था, कि आपके पास बैकअप था, अभी तक काम में नहीं लिया था, लेकिन आप लोग जब छोड़ के जा रहे हैं तो उस बैकअप को आप काम मिलो। उसके सिवा आप क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट मैनेजर में टेम्परेली रीफोकस रिसोर्सेज टू दोस फंक्शंस दैट आर फुल्ली स्टाफ। तो आप देखोगे जो आप वापस प्रोजेक्ट की स्केड्यूलिंग करोगे और वो फंक्शन जो फुल्ली स्टाफ थे उनके रिसोर्सेज जो आप लोगों ने दे रखे हैं उस पर वापस उन रिसोर्स पे रिसोर्सेज को वापस रीएडजस्ट करोगे, ठीक है, और फिर इनेबल करोगे ताकि न्यू किस चीज को इनेबल करोगे कि न्यू कमर्स आपके पास आ सके, उस टीम से जुड़ सके, ताकि उसको काम को आप स्पीड अप कर सको। फिर दोज इंडिविजुअल हु आर लीविंग आर आस्क्ड टू स्टॉप वर्क एंड स्पेंड देयर लास्ट वीक इन नॉलेज ट्रांसफर मोड। फिर जो लोग छोड़ के जा रहे थे आप उनको बोलोगे कि काम करना तो बंद करो और आप क्या है नॉलेज ट्रांसफर मोड के अंदर आ जाइए। इसके अंदर क्या होगा, एक वीडियो बेस्ड नॉलेज कैप्चरिंग होती है और डेवलपमेंट होता है कमेंट्री डॉक्यूमेंट्स का, और क्या होता है उन लोगों की मीटिंग होती है अदर टीम मेंबर्स से, उन अदर टीम मेंबर्स से जो उस प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, ताकि वो जो छोड़ के जा रहे हैं तो उनका इम्पैक्ट क्या हो उनको हम कम से कम रिड्यूस करने की कोशिश करें और अपने बैकअप प्लान को एग्जीक्यूट करें। तो ये थे हम लोगों की आज की स्ट्रेटेजीज दैट आर कॉल्ड रिस्क अवॉइडेंस मॉनिटरिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड कंटिजेंसी प्लान। तो हियर वी अवॉइड द रिस्क एंड फॉलो सम स्टेप, देन हियर वी मॉनिटर द रिस्क कि दैट रिस्क हैज बिकम रियलिटी और नॉट, एंड हियर वी मैनेज द रिस्क बाय following the steps of risk avoidance or risk mitigation steps. So thank you, that's all for today's session. I hope you like my session. If you have any query, mention in the comment box. And this session is called Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth University. Thank you.